चुनाव लड़े तो भी ना लड़े तो भी जो हमारा समाज सेवा का संकल्प है वो कोई नहीं रोक सकता। क्या होना चाहिए झारखंड की राजनीति में, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सबसे पुराना कॉलेज हजारीबाग, रांची यूनिवर्सिटी का हजारीबाग सेंट कोलम्बस कॉलेज है, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोग पिछड़े हैं, खेल के क्षेत्र में भी पिछड़े हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े हैं, हर चीज़ में हम लोग पीछे हुए। तो आज लोगों के बीच में क्या धारणा है कि प्रदीप मेरा है और हमको लगता है वो लोग मेरे, यही पूंजी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। एक तरफ चुनाव आयोग अपनी तैयारी में लगा है, दूसरी तरफ जो तमाम नेता हैं जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको विधायक बनना है, वो अपने तरीके से तैयारी में लगे हैं। हमारे साथ प्रदीप प्रसाद हैं, हजारीबाग से एक प्रमुख दावेदार हैं भाजपा की तरफ से, और इससे पहले भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। लगभग 70,000 वोट इनको पड़ा है और अच्छा एक नाम है हजारीबाग के अंदर। हम इनसे समझते हैं, आज हजारीबाग के होटल, एक होटल में इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर मीच, पत्रकारों का सम्मेलन, मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, मतलब ये पत्रकारों से सुझाव ले रहे थे, पत्रकारों से समझना चाह रहे थे कि इनको चुनाव लड़ना है तो कैसे लड़ना है, सीधे उनसे ही बात करते हैं। तो पहले तो धन्यवाद आपको, तमाम पत्रकारों को, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाने का स्वागत है। ज्वार मूल क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का, उसके बाद बाकी सवाल पर आते हैं, फिलहाल इस पर समझते हैं कि इन लोगों को बुलाकर क्या। देखिए, बहुत अच्छा लगा सब लोगों को एक मंच पर मिलने से, जो बहुत दिन से इच्छा थी हमारे, जिनसे मैं बहुत दिन से जान रहा था, जैसे आपसे मैं मिलना चाह रहा था, इस मंच के माध्यम सब एक दूसरे से मिले, क्या होना चाहिए झारखंड की राजनीति में, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। सब लोग काफ़ी खुशी दिखे एक दूसरे से मिलके, बहुत आनंद आया इस कार्यक्रम में। क्या प्लान है हजारीबाग को लेकर? देखिए, हजारीबाग का जो भी समस्या है उसके लिए जो बेहतर कर पाए देवन से हम लोग वही कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो, या फिर रोजगार के संबंध में हो, जो बेहतर हम लोग कर पाते हैं। एक इंडिविजुअल, एक बेरोजगार लोग का टीम हम लोग के साथ है, अपने पॉकेट खर्चा से अपने एक संगठन है जिसके साथ हम लोग भी आगे हैं। आने वाले दिन में हजारीबाग को एक बेहतर सौगात दें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये हमारी टीम। हजारीबाग जिले के अंदर चाहे वो चौपारण हो, बरही हो, या जो भी इलाका हो, जहाँ से भी मरीज आए या परेशान लोग आए, तो प्रदीप प्रसाद उनके लिए खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो फिर हजारीबाग विधानसभा ही क्यों चुन रहे हैं? आप जहाँ रहते हैं, आप जिस जगह आप निवास करते हैं, वो सबसे नज़दीक जो आपके साथ पड़ेगा, जहाँ आप हमेशा खड़ा रह पाते हैं, डे वन जिससे सबसे कनेक्ट हो पाते हैं। आज लोगों के बीच में क्या धारणा है कि प्रदीप मेरा है और हमको लगता है वो लोग मेरे, यही पूंजी है। और जहाँ आप जितना जल्दी जा पाएंगे, जो आप 30-40 किलोमीटर के दायरे में कर पाएंगे, 100 किलोमीटर के दायरे में आप शायद कम कर पाए, और अगल बगल के सारे लोग, अगर जिला होने के कारण बरी के लोग भी यहीं आते हैं, चतरा के जैसा के लोग भी, अगर इमरजेंसी एंटीवेनम की ज़रूरत पड़ती तो यहीं आते हैं, बगोदर के लोग भी यहीं आते हैं, विष्णुगढ़ के लोग भी यहीं आते हैं, मांडू के लोग, चरी के लोग भी यहीं आते हैं, अगल बगल का बहुत सारा जगह, इवन गिरिडीह तक के लोग यहाँ से आते हैं, राजधनवार तक के लोग यहाँ आते हैं, कभी रांची से इलाज कराने के लिए हजारीबाग आते थे, रांची से बेहतर सुविधा होता था। तो हजारीबाग कहीं ना कहीं पिछड़ा, किसी कारणों से पिछड़ा। सबसे पुराना कॉलेज हजारीबाग, रांची यूनिवर्सिटी का हजारीबाग सेंट कोलम्बस कॉलेज है, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोग पिछड़े हैं, खेल के क्षेत्र में भी पिछड़े हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े हैं, हर चीज़ में हम लोग पीछे हुए। जो आबोहवा था वो पीछा हुआ, हम लोगों ने इसीलिए 1,00,000 पेड़ लगाने का जो संकल्प लिया था उसको हम लोग पूरा किए, आने वाले दिन में उसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एक टीमवर्क है, जो हम लोग का करीब 1-2 लोग थे वो 10 हुआ, 10 से 20, 50, 100, 1000, इस तरह से हम लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है और बहुत अच्छा लगता है कि सारे लोग मिलके काम करते हैं। बाकी विधानसभा के लोगों को जो मदद मिलता था वो नहीं मिल पाएगा प्रदीप प्रसाद? नहीं मिल पाएगा। अभी आप देखिए, अगर कोई गिर के कहीं का आदमी आज एक्सीडेंट करता है, क्या उसको हम लोग छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ता, इंसानियत से बड़ा कोई। चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ मतलब हजारीबाग विधानसभा से, बाकी मदद पार्टी कहाँ से? पार्टी अगर हमको चयनित करेगी, और लगता है चयनित करेगी, तो चुनाव निश्चित तौर पे लड़ेंगे और पार्टी को सबसे बेहतर 81 विधानसभा में हम रिजल्ट देंगे। मदद करेंगे सबकी? बिल्कुल करेंगे। चुनाव लड़े तो भी, ना लड़े तो भी, जो हमारा समाज सेवा का संकल्प है वो कोई नहीं रोक सकता। मूल क्या आप जैसे अगर चुनाव लड़ते हैं और आपको विजय मिलता है, तो सबसे पहले कौन सा काम? स्वास्थ्य, शिक्षा, और जो हजारीबाग से पलायन हो रहा है उसको रोकना। पहले यही? बिल्कुल। तो हमारे साथ प्रदीप प्रसाद हैं और इनकी योजना है कि ये विधानसभा का चुनाव हजारीबाग से लड़ेंगे। हालांकि इनका जो कर्म क्षेत्र है, जहां
आप जब अगर हज़ारीबाग से हैं या आप हज़ारीबाग कभी आते हैं तो इनके नाम को अगर पूछते हैं तो पता चलेगा कि जो हज़ारीबाग ज़िले के अंदर जितना भी इलाका है जहाँ से भी लोग मदद चाहते हैं वो इनको मदद करते हैं। हम अंतिम में दादा क्या कहेंगे जो लोग दर्शक हैं व्यूअर हैं जो देख रहे होंगे? अच्छे काम करें, हज़ारीबाग के लिए काम करें, झारखंड के लिए काम करें, सारे लोग अच्छे लोग को काम करें, अच्छे लोग को चुने जो हमारे झारखंड के लिए अच्छा हो, हमारे हज़ारीबाग के लिए अच्छा हो। बस यही कहना चाहेंगे लोगों से, यही मेरा निवेदन है।